नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। देखिए, करनाल जो है लगातार क्राइम सिटी करनाल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी आपने लूटपाट की वारदातें भी देखी होंगी, क्राइम सीन्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। जिस तरीके से परसों भी चार चमन के पास किस तरीके से हाथों से 3 लाख रुपए लूटकर जो दो बाइक सवार युवक होते हैं वो चले जाते हैं, और जैसे कि आपने घरोंडा में भी ओम ज्वेलर्स के शोरूम पर देखा था कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर डकैती की जाती है। और लेकिन अब जो ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं, ये असंध के मामले हैं, जिसके बाद वहाँ के दुकानदार भी, वहां के आम लोग भी जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जींद असंध रोड पर भी जाम, हाईवे जाम किया, और उसके बाद आंदोलन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ पूरी ये घटनाक्रम रही। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से दो लोग आरती की दुकान पर आते हैं, बंदूक की नोक पर आरती को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि जो कुछ भी इस वक्त आपके पास है वो हमारे हवाले कर दीजिए। और बंदूक की नोक पर डराने के बाद लगभग 15,000 की लूट की वारदात को ये दो लोग अंजाम देते हैं। और उसके बाद आरती का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार जरूर सुनिए। मंडी के दो आदमी बैठे थे, आप बातचीत कर रहे थे, इतने में दो आदमी आए, आया रिवॉल्वर की नोक में, बोले जो कुछ है रख दो यहाँ। अच्छा, हमने जो कुछ जेब में था रख दिया, रेक का फिर का अलमारी की चाबी दे, इसकी दे, वे दे, ये दूसरे गल्ले गुल्ले करेड़े करेड़ कराड़ का इधर आया। एक आदमी तो जोरी की चाबी का धक्का करने लग गया, एक आदमी वो मैंने काबू कर लिया दोनों रिवॉल्वर दूसरे आदमी का वो दिखा कर बोले मैं चलाऊँ। दूसरे आदमी ने सामने करके छुटवा दिया, छुटवा गए ले 15,000 ये थे दम में, पता लेकर अपना बैठ गया। बंदूक था जिनके, हाँ रिवॉल्वर थे दम में। अब आपके क्या मांग है प्रशासन से? अच्छा, उधर उधर से बीच में इसके मनीम उधर से आया, 21 नंबर पर मनीम आया, उधर 20 नंबर पर वो आया का खोल जा रहा मनीम की तरफ भी, उन्हें वो कर दी, वो जो भी बैठ गया देख वो भी डर गया। जो हादसे हो रहे हैं शहर के अंदर, आप क्या लगता है क्या बुरा हाल है यहाँ? तो उजाड़ हो रहा, क्या मांगा जो हालात है शहर में, व्यापारी के लिए दिक्कत हो रही। हाँ, तो आपने सुना कि किस तरीके से आरती ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर 15,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और मामला वहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इस वक्त कहा यही जा रहा है कि जो असंध है वो लूट और डकैती का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि उसी रात मोबाइल की शॉप पर भी किस तरीके से चोर आते हैं और डकैती करते हैं। लगभग 7 लाख रुपये के मोबाइल फोन एक मोबाइल शोरूम से चोरी किए गए हैं, और जो उन मोबाइलों के जो डिब्बे थे वो पास लगते जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहां पर उसके डिब्बे फेंक कर वो लोग, वो लुटेरे वहां से चले जाते हैं। लगभग 7 लाख रुपए की ये जो लूटपाट की जो घटना थी वो भी असंध की बताई जा रही है, जिसके चलते वहां के आमजन भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, वहां के आरती बहुत ज्यादा परेशान हैं, वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वहां के दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसी के चलते उन्होंने असंध और जींद की रोड पर आज विरोध प्रदर्शन भी किया, और वहां पर उन्होंने अपनी इस वारदात के बाद अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच करें, लुटेरों को पकड़ा जाए जो इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपकी दुकान पर आता है और बंदूक की नोक पर आपको डराता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि माहौल कितना गंभीर हो सकता है, ना केवल करनाल में बल्कि इस वक्त पूरे के पूरे हरियाणा में जो लुटेरे हैं, जो इस तरीके से जो लूटपाट करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनके हौसले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुलंद है। इसलिए आप सभी लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपना खास तौर पर ध्यान जरूर रखिएगा, और देखते रहिए आईबीएन 24, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।